हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एयर पॉल्यूशन के टॉपिक से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो यूजीसी नेट नवंबर 2017 में पूछा गया था। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। कंसीडर अ टॉल स्टैक एमिटिंग अ पॉल्यूटेंट एट द रेट 5 ग्राम पर सेकेंड इन द एटमॉस्फेयर वेयर विंड इज ब्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड एट द स्टैक हाइट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसेंट्रेशन इफ द इफेक्टिव स्टैक हाइट इज 30 meter and the Gaussian plume is assumed with dispersion parameter sigma y 50 and sigma z 30। दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, अब देखते हैं इसमें किस फॉर्मूले का हमें यूज करना है और कौन सा हमारा ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, हम देख लेते हैं प्लूम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो दोस्तों, ये हमने फिगर में जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें ये हमने प्लूम है, या हमारी प्लूम है, इससे हमारा पॉल्यूशन एमिट हो रहा है। तो जो भी इसमें एमिशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एयर, ये एयर में जा रहा है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है एट ग्राउंड मीन्स जेड इक्वल टू जीरो पे हमें इसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है, दैट इज जेड इक्वल टू जीरो। तो जेड इक्वल टू जीरो में हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला इसमें यूज होगा वो होगा सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पाई यू सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल माइनस वाई स्क्वायर टू सिग्मा वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एच स्क्वायर डिवाइड बाई टू सिग्मा जेड स्क्वायर। सिग्मा क्यू जो हमारा है एमिशन रेट है, जो हमारा ये एमिशन जो यहाँ से एमिशन हो रहा है इसका रेट है, कितना ग्राम पर सेकेंड में हमारा एमिट कर रहा है प्लूम चिमनी से स्टैक से। और सिग्मा वाई जो हमारा है वो हॉरिजॉन्टल डिस्पर्सन कोफिशिएंट है, और सिग्मा जेड वर्टिकल डिस्पर्सन कोफिशिएंट, जो दोनों की यूनिट होगी मीटर। दोस्तों, आप यूनिट्स का ध्यान दीजिएगा, जो एमिशन हमारा ग्राम पर सेकेंड में है और जो हमारा ओरिजिन डिस्पर्सन कोएफिशिएंट है मीटर में है, और जो हमारा यू यूनिट है वेलोसिटी, यू हमारी है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सपोज जैसे ये एक्स है तो हमारी जो यू होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है दोस्तों। वो उसकी यूनिट है हमारा मीटर पर सेकेंड। एच हमारा है स्मॉल एच, हाइट ऑफ द स्टैक डेल्टा एच है, जो हमारा प्लूम राइज है, ये हमारा प्लूम राइज है वो हमारा डेल्टा एच है, और जो इन दोनों का जो एडिशन है वो टोटल एच है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल में निकालना है कंसंट्रेशन एट ग्राउंड, ग्राउंड जेड इक्वल जीरो, और इसमें हमने अज्यूम किया है कि हमारा जो क्रॉस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कोई भी डिस्पर्जन नहीं है, तो हमारा जो वाई है उसकी वैल्यू हमारी दोस्तों जीरो हो जाएगी। तो हमारा वाई जीरो जेड जीरो, तो हम यहाँ पे वाई को पुट कर देंगे जीरो, और जेड हमने ऑलरेडी जीरो करके इक्वेशन ड्रॉ किए। देख लेते हैं इक्वेशन जो हमारी ये यूज हो रही है, ये हमारी इक्वेशन यूज हो रही है, इसमें वाई हमारा इक्वल टू जीरो है। तो इसके बाद हम वाई को जीरो रख के इसे सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं पहले हमें गिवन क्या क्या है। हमें क्यू गिवन है, सिग्मा वाई हमें गिवन है, सिग्मा जेड हमें गिवन था क्वेश्चन में, यू हमें गिवन था, वाई हमें जीरो, जो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम डिस्पर्शन ले रहे हैं। जो एच है हमारा, इसमें हमने डेल्टा एच हमने जीरो ज्यूम किया था। तो उसके बाद जो हमारा एच इक्वल टू एच, तो जो हमारा हाइट ऑफ द स्टैक इज इक्वल टू एच, ओके। तो दोस्तों, ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सी इज इक्वल टू क्यू क्यू वाली हमने 5 पुट कर दी, पाई 2 50 30 सिग्मा वाई हमें दिया था 50 30, और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे वाई है जीरो। तो ये हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, जो भी गिवन वैल्यू पुट कर देंगे,
उसके बाद हम देख लेंगे हमारा जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल जीरो, हमारा दोस्तों एक्सपोनेंशियल जीरो इक्वल टू वन होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और एक्सपोनेंशियल माइनस 0.5 इसकी वैल्यू दोस्तों याद रखिएगा, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी, 0.606 इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है दोस्तों, आप इसको वैल्यू को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद कर लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना ना भूलें, और अपने कमेंट से मुझे सजेशन देते रहें।